आज हमारा टॉपिक है फैमिलियल कैंसर या कैंसर जेनेटिक्स ऑफ कैंसर इन दी फैमिली। ओके, सो फैमिलियल कैंसर का मतलब है कि वो कैंसर कंडीशंस जो फैमिली में रन करते हैं या वो कैंसर जो किसी भी व्यक्ति को होता है जिसका कारण हेरिडिटरी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे कोई भी एक ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट होना जहाँ पे सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो करने और मल्टीप्लाई करने लगते हैं एंड अबनॉर्मल तरीके से। सो अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन सेल्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन और साइट इज कॉल्ड एज कैंसर। ओके, सो वो कैंसर जब एक फैमिली में रन करता है तो उसको हम फैमिलियल कैंसर कहते हैं। जेनेटिक्स के एस्पेक्ट से अगर देखें तो फैमिलियल कैंसर इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि देर आर मैनी जेनेटिकल रीजन जिनकी वजह से या म्यूटेटेड जीन्स जिनकी वजह से ये जीन जो इनहेरिट करते रहते हैं फैमिली में उसकी वजह से कैंसर के कंडीशंस प्रिवेल्ड रहते हैं। ओके, सो अगर हम रिस्क फैक्टर्स में देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फैमिली में कैंसर होने की जो हिस्ट्री है उसके क्या रीज़न हो सकते हैं या क्या उसका ज़्यादा कंडीशंस हम देखते हैं। सो हम देखते हैं कि अगर रिलेटिव्स में वो भी एक तरफ रिलेटिव, जैसे अगर फादर के साइड के रिलेटिव हो या मदर के साइड के रिलेटिव हो, तो मेटर्नल या पेटर्नल एक साइड के अगर रिलेटिव में तीन या तीन से ज़्यादा रिलेटिव्स एक साइड के रिलेशन में तीन या तीन से ज़्यादा रिलेटिव्स बेसिकली अगर सेम या रिलेटेड फॉर्म ऑफ कैंसर्स के हैं, सेम ऑर्गन का कैंसर या अगर सेम ऑर्गन का नहीं तो फॉर एग्जांपल अगर किसी एक तरफ फैमिली में अगर ओवेरियन कैंसर है तो ओवेरियन कैंसर के ही और केसेस होंगे, या फिर ओवेरियन कैंसर नहीं तो यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो इस तरीके के रिलेटेड कैंसर्स अगर हों तीन या तीन से ज़्यादा रिलेटिव्स के एक ही तरफ, तो हम देखते हैं कि देर आर मोर चांसेस फॉर दिस कैंसर टू बी रनिंग इन द फैमिली। ओके, देन सेकेंड वन है कैंसर अर्ली एज में होने के। तो अर्ली एज में कैंसर हम देखते हैं कि अगर टू और मोर रिलेटिव्स ऐसे ही सेम साइड में अगर अर्ली एज में अगर कैंसर से डायग्नोस किए गए हैं तो हम देखते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में भी देर आर चांसेस कि लोग एक या दो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको अर्ली एज में कैंसर डिटेक्ट हो। ओके, मल्टीपल कैंसर। मल्टीपल कैंसर में हम देखते हैं कि टू और मोर अगर टाइप ऑफ कैंसर एक ही रिलेटिव में सेम रिलेटिव में अगर अकर हो रहे हैं तो भी हम देखते हैं कि फैमिली में कैंसर के कंडीशंस मल्टीपल कैंसर के कंडीशंस मतलब एक ऑर्गन से ज़्यादा मल्टीपल कैंसर के कंडीशंस देखे जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेलिंग पैटर्न जो हम देखते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फैमिलियल कैंसर्स आर वेरी कॉमन जेनेटिकली। ओके, जेनेटिक्स ऑफ कैंसर हम देख लेते हैं। तो कैंसर होने के जेनेटिकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करें तो हम बेसिकली तीन जीन्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ प्रोटो ऑन्कोजेंस। प्रोटो ऑन्कोजेंस एक्चुअली एक अच्छे जीन्स होते हैं जो सेल को नॉर्मली ग्रो करने और डिवाइड करने देते हैं, लेकिन ये वही जीन्स हैं अगर गलती से भी ये म्यूटेट हो जाते हैं तो ये सेल्स ये जीन के म्यूटेशन की वजह से सेल्स को अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो करने देते हैं और सस्टेन करने देते हैं, सेल को डाई होने नहीं देते हैं, जिस वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। सो दैट टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड एज प्रोटो ऑन्कोजन। ओके, द सेकेंड वन इज़ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन एक प्रोटेक्टिव जीन होता है जो हेल्प करता है कि नॉर्मली सेल्स को डिवाइड होने में अगर कोई भी गलत डीएनए है मतलब डीएनए मिसमैच है तो उसको करेक्ट करने में ऐसे सब चीज़ों में हेल्प करने वाला जो जीन है दैट इज़ ट्यूमर सप्रेसर जीन। लेकिन अगर ये जीन म्यूटेट हो जाएँ तो ये वही जीन है जो बहुत बड़े स्केल में सेल्स को अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करने देते हैं और फिर एक ट्यूमर तक बनाने में ये जीन हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ डीएनए रिपेयर जीन। नाउ व्हाट इज़ दिस डीएनए रिपेयर जीन। डीएनए रिपेयर जीन्स वो होते हैं जो किसी भी तरीके की अबनॉर्मैलिटी में या डीएनए मिसमैचेस वगैरह को करेक्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश जैसे ये प्रोटो ऑन्कोजेंस थे या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स थे, इनको करेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डीएनए रिपेयर जीन को है, तो कईयों कंडीशंस में डीएनए रिपेयर जीन की वजह से कैंसर की शुरुआत होने के बावजूद देर आर चांसेस कि वो चीज़ स्प्रेड ना हो पाए। लेकिन अगर डीएनए रिपेयर जीन भी म्यूटेट हो जाएं तो ये प्रोटो ऑन्कोजेंस और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की जो म्यूटेशन है उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट कर कैंसर को
बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने में हेल्प करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द जेनेटिक बेस ऑफ द कैंसर सिचुएशन. नाउ इनहेरिटेंस पैटर्न हम देखें तो मेंडेलियन लॉ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कैंसर जो फैमिलियल कैंसर होता है दैट इज़ नॉर्मली ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ कैंसर. इसका मतलब है कि किसी भी एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम में एक दो कॉपीज में से एक क्रोमोसोम पे एक जीन होना काफ़ी होता है म्यूटेटेड जिससे आगे की जनरेशन में कैंसर पास हो सकता है. ओके, बहुत कम ऐसे कैंसर्स होते हैं जो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं. इसका मतलब है उन कैंसर्स के होने के लिए दोनों ही कॉपीज पे वो म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होना ज़रूरी है. लेकिन बेसिकली ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट केसेस हैं. मैनेजमेंट अगर हम देखें तो द फर्स्ट वन इज़ कैंसर जीन थेरेपी. नॉर्मली कीमोथेरेपीज की जाती हैं. यहाँ पे हम कैंसर जीन थेरेपी क्यों कह रहे हैं, एक नया एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ द जेनेटिकल बेसिस कि ऐसे काफ़ी सारे जीन म्यूटेशंस हैं जिनके लिए नॉर्मल जो हम कीमोथेरेपीज देते हैं दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो उन जीन्स को ट्रीट कर सकें. ओके, सो अगर हम जीन स्पेसिफिक थेरेपीज देंगे तो उन जीन्स को आगे मल्टीप्लाई होने जीन के आगे के कॉपीज बनने से या सेल के आगे के प्रोलिफरेशन से हम रोक सकते हैं. दैट टाइप ऑफ कैंसर थेरेपी विच टेक्स द स्पेसिफिक जीन कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कैंसर जीन थेरेपी. ओके, सेकेंड वन इज कीमो प्रिवेंशन. कीमो प्रिवेंशन जिसमें एक कॉमन एग्जाम्पल है टैमिक्सोफिन का, जो ऐसे वुमेन में दिया जा सकता है जिनको ऑलरेडी रिस्क है फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर होने के. ओके, सो उन केसेस में हम दे सकते हैं. तो ऐसे अगर किसी को रिस्क है पहले से ही, तो अगर कुछ ऐसे अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जिनमें ऐसे केमिकल्स या सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो पहले से एडमिनिस्टर करने से रिस्क वाले लोगों में वो जो कैंसर का चांसेस है वो कम किया जा सकता है. नाउ द लास्ट थिंग इज़ रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज. सो जैसे हमने अभी ब्रेस्ट कैंसर का एग्जाम्पल लिया, तो अगर ऑलरेडी किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का एक पैटर्न रन कर रहा है, तो अगर किसी फीमेल को छोटा सा लंप भी अगर फील होता है ब्रेस्ट में, तो फिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं टू परफॉर्म अ सर्जरी एंड मैस्टेक्टमी करके टू रिमूव दैट. ओके, सो दैट इज़ वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसकी वजह से आगे चलकर कैंसर होने के रिस्क को हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल टू द वुमन. ओके, सो उसको हम कहते हैं रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी. किसी में भी मैन हो वुमन हो, अकॉर्डिंग टू द पार्ट या अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन जहाँ पे कैंसर होने के चांसेस हैं, अगर वहाँ पे ऐसा कोई भी अर्ली इंडिकेशन दिखता है तो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी से बहुत बेनिफिट मिल सकता है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द फैमिलियल कैंसर जिसमें हमने देखा कि फैमिली में देन अर्ली एज में या फिर मल्टीपल कैंसर होने के क्या रीजंस हो सकते हैं. हमने देखा कि जेनेटिक्स जो है कैंसर सिचुएशन के पीछे, जिसमें हमने तीन तरीके के जीन्स के बारे में बात की, प्रोटो ऑनकोजेंस के बारे में, ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स के बारे में और डीएनए रिपेयर जीन्स के बारे में, कि हमने देखा कि ये किस तरीके से एक एक नॉर्मल या एक अच्छे प्रोटेक्टिव जीन होते हैं, लेकिन इनके म्यूटेटेड होने की वजह से किस तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है. ओके, देन हमने देखा कि इनहेरिटेंस पैटर्न में इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैंसर. और हम मैनेजमेंट में हमने देखा कि किस तरीके से हम कैंसर जीन थेरेपीज, कीमो प्रिवेंशंस और रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.